बेलबाग पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 61 साल के वृद्ध सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दोनों शराब तस्करों को अलग अलग स्थानों पर पकड़ा गया और इनसे कुल 96 बोतल अंग्रेजी 60 लीटर कच्ची शराब के साथ साथ एक एक्टिवा गाड़ी, मोबाइल फोन और 3,760 रुपए भी जब्त किए गए हैं। जिले में अवैध कच्ची शराब बनाने और शराब बेचने का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। बेलबाग पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त दो लोगों, नेपे टाउन ओमती निवासी 61 साल के वृद्ध लक्ष्मण दास हेमराजानी और खटीक मोहल्ला बेलबाग निवासी दिनेश सोनकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घोड़ा अस्पताल के पास नेपे टाउन निवासी लक्ष्मण दास हेमराजानी को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उनके घर की भी तलाशी ली गई और कुल 96 बोतल अंग्रेजी शराब, एक एक्टिवा गाड़ी, 3,760 रुपए और मोबाइल बरामद किया गया। इसी तरह खटीक मोहल्ला निवासी दिनेश सोनकर के घर दबिश दी गई और उसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। 3,600 की कार्रवाई की गई है। इस व्यक्ति ने अपना नाम लक्ष्मण दास हेमराजी ने बताया, इसको गिरफ्तार करके पेश किया गया है। इसमें थाना प्रभारी बेलबाग और उनके साथ की प्रमुख भूमिका रही है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है।